आज हम बनाने वाले हैं घर पे ही मार्केट जैसा होममेड चीज। आप देख सकते हैं ये बनने के बाद बिल्कुल मार्केट के जैसा ही लगेगा। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 लीटर कच्चा दूध लिया है। आपको दूध कच्चा ही लेना है चीज बनाने के लिए। अब हम गैस को ऑन करेंगे। दूध को हमें उबालना नहीं है, इसे थोड़ा सा ही गर्म करना है। इतना गर्म करिए, आप एक बार फिंगर डाल के देखिए, अगर आपको महसूस हो रहा है कि ये थोड़ा सा गर्म हुआ है तभी हम गैस बंद कर देंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी हमें जो टेम्परेचर का दूध चाहिए ये रेडी हो चुका है। अभी हम गैस को करेंगे स्लो और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा कप विनेगर। इसे हम धीरे धीरे डालते हुए हिलाते जाएंगे। विनेगर डालने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और आप इसे 2 से 3 मिनट हिलाएंगे तो ये दूध अपने आप फटने लगेगा। ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद हमारा दूध कुछ इस तरह से रेडी होगा। हमारा दूध अच्छे से फट गया है। अब हम इसे छान लेंगे। ये देखिए, ये छानने के बाद कुछ इस तरह से रेडी होगा। अब हम इसमें से सब पानी निकाल के इसे हम गर्म पानी में डालेंगे। यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है। अब हम चीज को छान के गर्म पानी में डाल देंगे और इसे हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। ये प्रोसेस हमें मिनिमम 3 से 4 मिनट करना है। पहले छोड़ेंगे, 1 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, फिर से हाथ में लेंगे, इसका सब पानी निकालेंगे और फिर से छोड़ेंगे। गर्म पानी से इसे हम निकाल के इसका सारा पानी अच्छे से निकाल देंगे। इसमें गर्म पानी बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, इसका पानी हम सारा अच्छे से निकाल देंगे और उसके बाद इसे हम ठंडे पानी में डालेंगे। सेम गर्म पानी में जो हमने प्रोसेस किया था वही हमें ठंडे पानी में करना है। अब हम ये ठंडे पानी में भी सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने गर्म पानी में किया था और बीच बीच में हम इसे इस तरह से चीज को तोड़ेंगे, फिर से इसका एक बॉल बना के ठंडे पानी में डालेंगे। अभी हम इसे फिर से दूसरे ठंडे पानी में एक बार डालेंगे और इसे बस 2 से 3 मिनट तक अच्छे से डिप करेंगे, फिर वापस निकालेंगे और पूरा पानी डाल लेंगे। अभी हम इसे पानी में से निकाल के इसमें से पूरा पानी प्रेस करके निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा भी पानी रहना नहीं चाहिए। पानी निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी होगा। हमारा चीज रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लास्टिक बैग में रखेंगे और इसे अच्छे से टाइटली कवर करेंगे। इस तरह से कवर करने के बाद इसे हम 2 घंटे फ्रिज में सेट होने के रखेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा चीज कितना अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखिए, इसे मैं अब ग्रेट करके आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मार्केट के जैसे ही बना है। ये देखिए, आप चीज को एयरटाइट कंटेनर में 10 से 12 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो रेडी है हमारा होममेड चीज।